प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुखराज सब। मेरे YouTube चैनल अच्छे विचार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी है कि एक भूखा सांप अपनी भूख मिटाने के लिए क्या से क्या कर जाता है। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। एक भूखा सांप खाने की तलाश में वह दुकान में इधर उधर घूमता है। घूमते हुए वह दुकान में रखे धारदार कुल्हाड़ी से छूकर हल्का सा जख्मी हो जाता है। वह क्रोध और बदले की भावना में पागल होकर कुल्हाड़ी को डसता है। इससे वह और जख्मी हो जाता है और मुंह लहूलुहान हो जाता है। दूसरी चोट से और क्रोधित होकर वह कुल्हाड़ी से लिपट कर उसे कसता है। शत्रु जानकर नाक पस लगाता है। इससे उसका सारा शरीर कट जाता है और वह बहुत घायल होकर मर जाता है। सुबह दुकानदार दुकान खोलता है और कुल्हाड़ी से लिपटे हुए एक मरे सांप को पाता है। तो आपको क्या लगता है, इसमें गलती किसका है? तो सांप किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद के क्रोध के कारण मरा। कभी कभी हम गुस्से में आग बबूला होकर दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात पर प्रतिक्रिया दे। क्रोधित होने से पहले देखे कि मामला हमसे संबंधित है भी या नहीं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे काबू में रखना बहुत जरूरी है। अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखें, क्योंकि एंगर में डी जोड़ने से डेंजर हो जाता है। क्रोध कभी किसी का भला नहीं कर सकता, यह केवल विनाश ही कर सकता है और हमें केवल पछतावा मिलता है। दोस्तों अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बदले की भावना कभी भी न रखें, क्योंकि जिनमें बदले की भावना प्रबल होती है वो व्यक्ति अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते अपितु उसमें जलकर अपने जीवन को कठिन बनाते हैं। दोस्तों ऐसे ही अच्छे विचार, अच्छे कहानी और अच्छी बातों के लिए हमारे YouTube चैनल अच्छे विचार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।